हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी वन. वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग. वेलकम बैक टू चिल्लर्स हब. तो मैं हूँ चांदनी, आपका स्वागत करती हूँ. सुबह सुबह शक्ल देखी अभी उठ के. आज डिसाइड किया था कि घर जाएंगे, बट वो भी अब सोचने पे मजबूर हो गए क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है. अगर तो हमारा प्लान बना जाने का तो जाएंगे, नहीं बना तो नहीं जाएंगे. और जो भी होगा आपको आगे बताते हैं. तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, चलिए देखते हैं. तो हम निकल चुके हैं, फिर हमारा प्लान बन गया. तो मम्मी से बात की, फ़ोन पे पापा से बात की और उन्होंने कहा कि आ ही जाओ तो बेहतर है, छोड़ने में हम चले जाएंगे. इसीलिए मैं आ गई हूँ मुझे बंडे को मॉर्निंग वो छोड़ने आएंगे, वरना मैंने आना नहीं था. अब हम जा रहे हैं और देखते हैं रास्ता कैसा, गंदा गंदा सा. बाकी आपको बताते हैं रजौरी से जम्मू तक का रास्ता, बीच का सफ़र कैसा है. अच्छा भी है कुछ जगहों पर, बहुत गंदा भी है. सब देखो आर्मी वाले अंकल. भाई साहब है गाड़ी बिल्कुल ट्रक के मुंह के सामने जाके रोकी है साथ में. भाई तू पीछे कर, अरे वो पीछे कैसे करेगा, देखो उसके पीछे कितनी गाड़ी है, तू थोड़ी पीछे कर ले. हाँ, और ये साइड की हालत है रोड की. ओ भाई देख, मतलब 5 मिनट खड़े होना था, खड़े होके इसने हमारा भी अपना भी टाइम वेस्ट करना था. भाई दूसरा बंदा कोई जा रहा हो, बाहर इतने धूल है, मैंने शीशे बंद किए हुए है, एसी लगाया, बंदी बार बार एसी बंद कर रही है, पेट्रोल बचा रही है क्योंकि बाहर की हवा ज्यादा अच्छी है. हाँ ज्यादा अच्छी है, इतनी गर्म धूप है, इतनी एसी से कोई सिर दर्द नहीं होती है. तरीके से गाड़ी चलाओ तो कुछ भी नहीं होता ऐसा. और ये गाड़ी चलाते हुए जो फोन पकड़ा हुआ है लोगों ने, तो फिर प्लीज ठीक है. तो
वो भी उनपे एहसान है बेचारों पे जो सीरीज बनाई है, उन लोगों पे एहसान किया जा रहा है कि भाई देखो मैं तुम्हारी ये देख रही हूँ सीरीज, व्यू मिल रहे हैं उन बेचारों को, हाँ देखा देखा कोई मतलब वो नाराज ना हो ऐसा। तो बाकी इतना इधर तो इतनी कोई दिक्कत होती नहीं थी, रूम में आओ बस पड़े रहो ऐसे ही, बेड पे बेड तोड़ो, वो बेचारा बेड सीरियसली मैंने पिछले दो तीन दिन पहले ना अपने पूरे वो बेडशीट वगैरह जब चेंज की तो देखा गद्दा पूरा नीचे बैठा हुआ, वो लिटरली मैंने उसको उल्टा किया पूरा उल्टा करके, बस ज्यादा हो गया, हाँ पूरा उल्टा करके उसको बिछाया क्योंकि वो ना पूरा नीचे चला गया कि अगर एक साइड से उल्टा ऐसे और नीचे गया चलो अब दूसरे साइड से मैनेज हो जाएगा वो दूसरे साइड से, इसीलिए उसको उल्टा किया। अब मुझे समझ आ रहा है वो बेड पे पीछे रहे उधर ही पड़े रहे, तो ऐसा बंदा काम थोड़ी करना पसंद करेगा, पता घर जाऊंगी पापा टॉर्चर देंगे, पापा बोलेंगे टॉर्चर नहीं वैसे वो सही है इसकी भलाई के लिए, इसका फ्यूचर है वो इसके लिए बोलेंगे, बट हम तो ये बोलते हैं पेरेंट टॉर्चर है दुखी करते ये कर दिया, तो पापा बोलेंगे मेरे को भी बड़ा तंग, मैं कोविड के टाइम पे सिर्फ 3 मंथ अपने घर रुकी थी, उसके अलावा मैंने जब स्कूलिंग कोई भी 3 मंथ आपके कैसे थे क्रॉस कर लिया फिर नौशहरा डीसी पे, आगरा से कंप्लीट करने के बाद सुंदरबनी क्रॉस कर लिए, मामला पहुंच गए, अब हम यहाँ रुकेंगे थोड़ा कुछ खाएंगे क्योंकि सुबह कुछ भी खा के नहीं निकले थे, कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए, हमारे ड्राइवर बहुत भूखे हैं, भूख से जान निकल रही है और दर्द हो रही है, बस रास्ता बहुत गंदा थकावट हो जाती है ट्रैवल करके इतना गाड़ी चला के, बस रुकेंगे गाड़ी है तो गाड़ी मैं चलाऊंगी, मुझे गाड़ी चलाने में बहुत धंधक चढ़ती है, मुझे गुस्सा आता है मतलब रोड इतना गंदा ना मन नहीं करता गाड़ी चलाने का, और ऐसे भी अब मुझे ड्राइव करना पसंद नहीं मुझे इतना, चलो देखते हैं पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद जिस तरीके का मन करेगा वो करेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे फिर आपको बताएंगे। ठीक है बाय। अंकल के पास गाड़ी है, यहाँ पर लंच करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी लेंगे उसके बाद देखते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं, फिर चलते हैं हम आगे की ओर, देखिए मामला से है रोड थोड़ा खराब बट आगे ठीक है, आगे रोड बदी आगे कोई दिक्कत नहीं है रोड की, देखिए ये बहुत गंदे तरीके से ड्राइव करते हुए कि अभी फोन नीचे गिर गया था मेरे हाथ से, नहीं गंदे तरीके से नहीं बट ये खड्डे इतने बड़े बड़े कोई इंसान करेगा नहीं क्या, और अब आपको पता चल रहा है जब आप मुझे डांटते हो गाड़ी चलाते हुए तो कुछ चला नहीं रही आपकी गर्मी इतनी, चुप कर, एक तो इतनी ज्यादा गर्मी है जब जैसे जम्मू की तरफ जा रहे हैं वैसे ऐसा लग रहा है टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, रजौरी में टेम्परेचर बहुत अच्छा है, यहाँ आगे आगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी, धूप देखो बाहर कितनी कड़क वाली धूप है मेरी गर्मी, और ये फौजी ढाबा है यहाँ पे देसी चिकन, सॉरी ये आपने गलत बोला है फौजी ढाबा वो आगे है, ये इसका नाम भी फौजी ढाबा है ठीक है, और अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको अच्छे से वापस ले जा सकती हूँ, वहाँ बोर्ड के ऊपर जो नाम लिखा वो भी बता, ये फौजी ढाबा है वो सिर्फ फौजी ढाबा है ठीक है, ये आए बड़े हमें बता रहे हैं जगह को बोलते हैं खाली नाग, खाली मंदिर है बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है अगर किसी को ज्यादा दुख दर्द हो वो ट्रक खरीद ले उसके पीछे शायरी लिख दे, बिल्कुल
क्रॉस नहीं किया, हम ऊपर ही हैं पीछे नाव ब्रिज के, बस लगभग अब अभी समझ लो 25 से 30 मिनट में हम घर पे होंगे। मुझे मेरे घर, कौन आया है हमसे मिलने? मुझे पता ब्लॉग नहीं है, ब्लॉग है ये, ब्लॉग बन रहा है आपको, अभी मजाक लग रहा है ना, ब्लॉग बन रहा है, मैं सच में अपलोड करने वाली हूँ। आपको किसने बुलाया? सावन में तो आते नहीं ना, मिलते नहीं। क्या पूछ रही हूँ मैं? जा रहा हूँ यार, सुबह से झूठ क्यों बोला मुझे? कहाँ पे थे आप? क्या करोगे? की वीडियो देखते हुए आते ही हमने शादी की वीडियो स्टार्ट कर दी थी। मेरा चेहरा आधा बंद ही नहीं हुआ। कैसा लगा आपको मेरी दर्द हो रही है? मैं रामबाण इलाज घड़ी बनाऊ? तो देखिए ये आ चुके हैं हमारे पति, रूप की रानी आई है। नमस्ते। ये हमारे ऑफिस आए हैं, टाइम देखो इनका। नमस्ते। मैचिंग बायल साइज ट्रेडिंग। हाँ जी, ठीक है ठीक है। क्या सारे ऑफिस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया। हाँ जी, ठीक है फिर। वो बाबी कंप्लीट खत्म हुई है, हमने पूरी शादी की क्लिप देखी है। कैसी लगी आपको शादी की वीडियो? हाँ, अद्दी अद्दी ने ना देखी, कैसी लगी? तुझे रोना नहीं देखा एंडी, इतना अपना रोना नहीं देखा उसका? ओहो, देखा है सब कुछ। ठीक है फिर, इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।